भाई डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई को हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x^5 टू द पावर 1/5, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन है मार्च 2023 का है। यहाँ पे ऑप्शन वन ए इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/5 एक्स, बी ऑप्शन है एक्स एक्स टू द पावर 5, 3 - x^5। सोल्व करके देखते हैं क्या आंसर मिलता है। सोल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि आपको क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है और यू नीड टू फाइंड एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या आता है, आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x^5 उसका पावर 1/5 है। नाउ तो ये आपका एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग यू नीड टू फाइंड एफ ऑफ 3 - x^2। यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है कि ब्रैकेट में 3 - x, एफ ऑफ एक्स होता है तो उसमें एक्स की जगह पे एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स टू द पावर 5 और उसका पावर 1/5। यहाँ पे अभी आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो आपको वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स की वो पुट कर दो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3 - x^5 उसका पावर 1/5 और इन सब का पावर क्या है यहाँ पे आपको, ये तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने रखी है, यहाँ पे इसका पावर क्या है 5 है और उसका पावर 1/5। नाउ यहाँ पे पावर के पावर का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। सो यहाँ पे ये वाला जो पावर 5 आपको दिख रहा है ऐसा हो जाएगा 3 - x^5, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1/5 है उसका पावर 5 और उन सब का पावर 1/5 है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 - 3 + x^5 और उन सबका पावर 1/5। नाउ 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या x^5 और उसका पावर 1/5। सो यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो जाएगा वापस पावर के पावर का 5 और 1/5 में। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली आंसर बचेगा क्या x, आपको आंसर मिलेगा। ओके, आपको जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का कहा है तो आप एफ ऑफ इसका मतलब ऐसा होता है और एफ ऑफ एक्स यानी कि जो आप यहाँ पे 3 - के हमारे पास एफ ऑफ एक्स यानी कि क्या दिया, जब एक्स होता है तब हमें एक्स टू द पावर 5 लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट करी। नाउ यहाँ पे 1/5 पावर ए वाला पावर हाइलाइटर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे ए वाला पावर 1/5 और ए वाला पावर, तो पावर के पावर का मल्टीप्लीकेशन हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों 5 5 है वो कैंसिल हो गए। तो आपके पास बचा क्या, जो 3 - ब्रैकेट में 3 - x^5 और उसका होल पावर 1/5 है। ब्रैकेट ओपन करके तो 3 - 3 होगा और ये 3 3 कैंसिल हो गए। नाउ माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे x^5 और उसका पावर 1/5, तो पावर के पावर का वापस मल्टीप्लीकेशन करो तो 5 * 1/5 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, एक्स आंसर मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।